गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से तुम लोगों का रिक्वेस्ट में COVID-19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है उसी के कारण में हम लोग ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो लॉकडाउन के शुरू से ही हम लोग ने कुछ बहुत सारी ऑनलाइन क्लास ले लिए। उसके साथ आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग आवर ऑनलाइन वीडियोस एंड यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ ऑन ऑनलाइन क्लासेस डेली। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले जो क्लास में हम टैली में कुछ इम्पॉर्टेंट भाउचर एंट्री दिखाए थे और भी कुछ है एडवांस टाइप ऑफ भाउचर एंट्री। तो उससे पहले आपको कुछ बुक ऑफ रजिस्टर के लेके डिस्कस करना है, चर्चा करना है। तो हमने तो पहले दिखा दिए थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक ऑफ रजिस्टर लाइक कैश बुक, लाइक परचेस अकाउंट्स, परचेस डे बुक्स, लाइक सेल्स डे बुक्स, लाइक परचेस रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेएबल बुक्स। तो बहुत सारी बुक ऑफ रजिस्टर हमारा किसी कंपनी में रहते हैं। तो ठीक है, आज हम जो बुक ऑफ रजिस्टर लेके हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वो है कैश बुक। तो ये कैश बुक को लेके हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये कैश बुक के लेके डिस्कस करने के पहले हमको पहले ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए जे देयर आर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट्स, ये क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट्स, और कंपनी में जो कैश और चेक का दिया जाते हैं तो इसको बहुत और भी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कंपनी में परचेस करने के बाद वो पेमेंट किया जाते हैं, ठीक है। तो पहले इंस्ट्रूमेंट और पेमेंट का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझना है। जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट्स। नंबर वन, कैश। कैश में दोनों पार्ट है, एक कैश रुपीस और नोट में होता है और कॉइन भी होता है। तो ये कैश का दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट कैश में। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट चेक होगा तो चेक में भी दोनों क्लासिफिकेशन है, एक बीआर चेक और एक क्रॉस चेक, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और एटीएम, ये है आज टुडे ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका मतलब तुम एटीएम जो कार्ड दिया जाता है बैंक से अकाउंट खोलने के बाद, तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए, पेमेंट के। तो ये एटीएम दो टाइप का होता है, एक डेबिट कार्ड एंड दो क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, वो हम डेबिट कार्ड है अगर तुम कंपनी में किसी बैंक में अकाउंट खोलना है उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट किए करने के बाद जो तुमको जो कार्ड यूज़ करना है उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड के मतलब है तुम्हारा बैंक में एक बैंक में अकाउंट खुला है लेकिन उसमें कोई रुपया तुम डिपॉजिट किया ही नहीं, तो तब बैंक तुमको एक फैसिलिटी देता है, तो क्रेडिट में कुछ परचेस करने के लिए तुमको बैंक ये उधार देते हैं, तो उसको थ्रू क्रेडिट कार्ड के जरिए तुम वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। पेटीएम, ये पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट है, ये पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट है, इसीलिए तुम ये पेटीएम के साथ भी तुम पेमेंट कर सकते हो। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस है तो किसी की देश में, तो ये कैश या चेक नहीं चलता है, इसीलिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज देना पड़ता है। तो यही है सारे मोड ऑफ पेमेंट। तो हम बाद में कैश बुक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कैश बुक समझने के बाद पहले वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट को समझाना पड़ता है। तो इसीलिए हम तुम देखते रहो, हम कैश बुक के बारे में और कुछ बताएंगे।